आज जन कल्याण समिति का एक कार्यक्रम था, उसमें वीएम सिंह जी को और मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया था। उसका स्थापना दिवस था। उस कार्यक्रम में मैं हिस्सा लेने सिसोली गया, किसी को सूचना भी नहीं की थी। वहाँ पे योजनाबद्ध तरीके से यूनियन के कुछ लोगों ने वहाँ पे मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। एक घंटे तक लगातार नारे लगाते रहे। उसके बाद कार्यक्रम समाप्त हुआ। समाप्त होने के बाद अंदर ही उसी घर में घुस के हमारे कुछ कार्यकर्ताओं पे बदतमीजी करनी शुरू कर दी, तमंचे लगा दिए, गोलियां चला दी, जितनी हद पार कर सकते थे उतनी की। मैं जैसे ही पुलिस वालों के सहयोग से गाड़ी में बैठा तो गाड़ी के चारों तरफ काला पेंट डाल के बिल्कुल गाड़ी को अंधा कर दिया और ना मैं कूद पाया। चारों तरफ ट्रैक्टर ट्रॉली आपके मोटरसाइकिल बुग्गी चारों तरफ से लगा के रास्ते ब्लॉक कर रखे थे और गाड़ी पे भी तमंचे से वार कर करके गाड़ी के सारे शीशे तोड़ दिए। काफ़ी लोग थे। मैं गांव के लोगों से चेहरे से ज़्यादा परिचित नहीं हूँ, लेकिन यूनियन के लोग थे और लगातार राकेश टिकैत के जिंदाबाद के नारे और प्रधानमंत्री और योगी जी और संजीव बालियान और मेरे लगातार मुर्दाबाद के नारे लगातार एक घंटे तक वो लगाते रहे। मेरे दो हमारे कार्यकर्ता पूर्व मंडल अध्यक्ष सोमेंद्र मुखिया और वहाँ के सभासद नामित सहदेव, मेरा गनर कपिल, दीपक और मेरा सहायक एक धर्मेंद्र, चार लोग घायल हुए हैं। किसकी तरफ से तहरीर दी जा रही है और किस तरह की कार्रवाई की मांग? सोमेंद्र मुखिया की तरफ से, जो हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं, और सहदेव भाई की तरफ से तहरीर दी जा रही है। निश्चित रूप से जिन लोगों ने इतनी बुरी तरह गुंडागर्दी की है, कार्रवाई होनी चाहिए। गांव के सिसोली के हजारों लोग यहां खड़े हैं, सब लोगों को प्लान करने वाली स्थिति है। क्षेत्र में एक तरफा गुंडागर्दी करने का, अराजकता का वातावरण पैदा करने का प्रयास चल रहा है और सिसोली गांव के ही खुद लोग यहां उपस्थित हैं जो ये कह रहे हैं कि इस तरह की हुड़दंगबाजी, हम अपने मेहमान को भी नहीं अपने घर बुला सकते, तो हमें तो गांव से प्लान करना पड़ेगा। सारे लोग यहीं उपस्थित हैं। खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।